फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ओरिगेमी बटरफ्लाई कैसे बना सकते हैं बड़ी इजी वे से। सो लेट्स स्टार्ट। उसके फर्स्ट आपको चाहिए होगी एक A4 साइज पेपर शीट, या अगर आपके पास ओरिगेमी पेपर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो दोनों तरफ से कलर्ड हो। फिर और आपको चाहिए एक पेन एंड सीजर। तो फर्स्ट हमें इस हम लोग हमारे पास ओरिगेमी पेपर है तो हम लोग ओरिगेमी पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग A4 साइज पेपर शीट से शुरू करेंगे। फर्स्ट आपको दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको इस पॉइंट तक पहुंचाना है। अब जो हमारा रिमेनिंग का है वो हमें कैंची से काट देना है। ओके, नाउ आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। अब आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। अच्छे से फोल्ड करिएगा। तो अब आप इसको ओपन करेंगे, ये आपको ऐसे आ जाएगा। अब आपको इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, और इधर भी इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, लाइक दिस। अब इधर वाले फोल्ड को भी ऐसे। अभी आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन इस ऊपर वाले पार्ट का ऐसा करना है, ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है लाइक दिस, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। ये देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल शेप आ गया। अब इसको अपसाइड डाउन करिए। अब इसमें से में दो हैं, इनमें से एक आपको निकालना है और इसको में ऐसे फोल्ड करना है लाइक दिस, लाइक दिस। ये आपका हो गया, तो आप इसको उल्टा मोड़िए। फिर इस पॉइंट को जितना है मोड़ सकता है उतना आपको मोड़ना है लाइक दिस। ये उसका हेड बन जाएगा, यहाँ आ गया ये। अब जितना बड़ा पेपर लेंगे उतना ये बड़ा बनेगा। अब ये आपकी बटरफ्लाई रेडी है। तो अब हम लोग इसको थोड़ी आर्म बना देते हैं। तो ये आपकी बटरफ्लाई रेडी। अगर आपको थोड़ा बटरफ्लाई भी डिज़ाइन देना है तो आप यहाँ से एक कट करिए, यहाँ से एक, और यहाँ भी। ये आपकी ओरिगेमी बटरफ्लाई रेडी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।